बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आदियो, मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस आई। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज देखिए, आज सुबह से काफ़ी फॉग वगैरह थी, फॉग नहीं सॉरी स्मोक थी काफ़ी, और अभी भी है, और हल्के हल्के से धूप निकली हुई है। और अम्मी ने कुछ कपड़े जो है जहान के और आयत के धोए हैं, और अभी हमारा प्लान है स्मोकी बनाने का। और अम्मी जो है वो आलू वगैरह छील रही हैं, तो अभी समोसे बनाएंगे हम लोग। चलिए आज का व्लॉग जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अम्मी जो है वो आलू छील रही हैं। आलू देखिए ज़रा, हमने उबाल लिए थे, और यहाँ पे अम्मी जो है आलू का छिलका उतार रही हैं। आ गई है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये हमने ना पतीले वगैरह बाहर निकाले हैं साफ वगैरह करने के लिए, तो काफ़ी मिट्टी वगैरह थी इनके ऊपर, तो ये चार पतीले इनको साफ वगैरह हमने किया है। अब दोबारा डिब्बे में पैकिंग वगैरह कर देंगे और किचन में हम लोग रख लेंगे। तो देखिए ज़रा साफ वगैरह हमने कर दिए हैं, ये नॉनस्टिक पतीले हैं, ये नॉनस्टिक है। ये देखिए ज़रा आयत क्या कर रही है, आयत नहीं करो। अभी जो है हम लोग सामान वगैरह तैयार करते हैं समोसों का, तो आलू वगैरह तो अपनी छीनी है, तो अभी जो है मिक्सचर वगैरह मैं रेडी करती हूँ, साथ में जो है समोसा पट्टी बनाती हूँ। तो वो हम लोग बाहर से परचेज नहीं करते समोसा पट्टी, वो मैं घर में खुद ही तैयार करती हूँ। सिस्टर मेरी ऊपर आ रही हैं और जूस पी लिया है हमने। मैंने कहा आपको जो है अपनी छत की जो है वो थोड़ी सी सैर करवा देते हैं। ये देखिए आयत क्या कर रही है, आयत ऊपर चढ़ी, आयत गिर जाओगे। ये देखिए सूरज जो है काफ़ी मध्यम है, इतनी तेज़ धूप नहीं है। अभी भी देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा स्मोक है साइड से, अभी भी स्मोक जो है वो वाइड नहीं हुई। ये स्मोक के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मरी हुई थी तो ये स्मोक के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सांस की बीमारियाँ वगैरह होती हैं। तो इसमें जो है अगर आप लोग बाहर वगैरह निकले तो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्कूल वगैरह को तो बड़े शहरों में जो है वो छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अभी छोटे शहरों में तो उन्होंने छुट्टियाँ नहीं की है स्मोक की वजह से, तो काफ़ी बीमारियाँ वगैरह तो हमारे सिटी में तो नहीं हुए, अभी स्कूल वगैरह बंद नहीं हुए, तो फातर वगैरह सिर्फ उन्होंने 9 नवंबर की छुट्टी की है। हाँ सिर्फ इकबाल डे की, इकबाल डे की। हाँ जी, छोटे शहरों में तो उन्होंने छुट्टी नहीं की, लेकिन बड़े शहरों में छुट्टी है, तो वो मंडे को स्कूल खुलने हैं। और इधर देखिए हमारे हमसायों के, ये देखिएगा ये सामने जो है हमारे इधर घर में है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, लेंटर वगैरह भी इसका कंप्लीट हो गया था, अब साइड्स पे जो है ये दीवारें वगैरह चल रही है। मेरे ख्याल में ऊपर भी जो है वो कमरे वगैरह बनाएंगे, यहाँ पे कमरे वगैरह बनाने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे जगह वगैरह चल रहे हैं, दीवारें वगैरह बना रहे हैं। ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पे हमने छत पे जो है ये खरगोश रखा हुआ है, ये असल में खरगोश नहीं है, ये गमला है खरगोश वाला, तो इसमें पहले हमने जो है इधर पौधा वगैरह लगाया हुआ था, तो रिसेंटली इसमें से हमने मिट्टी वगैरह निकाल दी है। और यहाँ पे जो है हमने तार वगैरह बांधी हुई है रस्सी वगैरह, और हमारे हमसायों ने आज कपड़े वगैरह धोए हुए हैं, हमसायों ने जो है वो कपड़े वगैरह धोए हुए हैं, लेकिन हम संडे को धोएंगे, ज़्यादातर संडे को या फिर फ्राइडे को। अब जो है मैं समोसा पट्टी बनाने लगी हूँ, इसमें मैंने डाला है मैदा, नमक डाला है, और साथ में जो है ज़ीरा डाला है साबुत ज़ीरा, और साथ में जो है इसमें मैं डालूँगी घी। इसमें आप लोग जो है वो घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं जो है इसमें घी डालने लगी थी। वहाँ पर इसमें ये आलू वगैरह का मिक्सचर तैयार करने लगी हूँ समोसे के लिए, और ये जो है ये मैंने गर्म मसाला है इसमें, और सूखा धनिया है इसको मैंने कूट लिया है। ये देखिए ज़रा, ज़्यादा नहीं इसको मतलब कि मैदा नहीं ज़रा किया है, थोड़ा ज़्यादा सा है, और साथ में जो है मैंने सबक मिर्च जो है ये भी कूट लिए, और आलू बॉईल कर लिए थे, मैंने छिलका इसका उतार लिया है, इसमें नमक डालेंगे, साथ में जो है ये काली मिर्च है ये भी कूटी हुई है, ये भी इसमें डालेंगे। हल्दी मैंने इसमें डाल दी है और गरम मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है, अब इसमें जो है लाल मिर्च डालूंगी। हादिया स्पाइसी खाना चाहती हो कि ज़रा लाइट हो? लाइट हो।
स्पाइसी फिर आज से भी नहीं खा होगा। आयत तो बड़े शौक से खाती है, आयत को बहुत पसंद है। काली मिर्च डाल देते हैं इसका, मैं थोड़ा सा इनका टेस्ट हो जाएगा। नमक डाल देते हैं। टिक्कियाँ जो मेरी सिस्टर ने बेल के रख दी हैं, मिक्सचर भी रेडी है, अब भरने लगी हैं समोसा पट्टी को। यहाँ पे टिक्कियों को मैंने कटिंग भी कर ली है और यहाँ पे जो है मैंने मिक्सचर वगैरह भी तैयार कर लिया है सारा। ये देखिए इधर आलू का मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है और साथ में जो है ये आज भी मैंने थोड़े से नमक पारे जो है वो नमक पारे की कटिंग कर ली है। स्टार्ट करते हैं समोसे। आज नहीं करो साइडों पे ना, आप वो पानी भी लगा सकते हैं और मैदा मैदे में पानी डाल के ना वो भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। अभी कच्चा है, अभी कौन सा पका है, अभी कच्चा है, अभी पका नहीं। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया। वैसे इसको मैंने बंद कर दिया, हाथ की मदद से थोड़ा सा दबा देती हूँ यहाँ से। देखिए जरा समोसा हमारा तैयार हो गया है और अब जो है इस तरह मैं बाकी सारे समोसे तैयार कर लूँगी, उसके बाद में फिर फ्राई करूँगी इसको मैं। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें अलीना आई हुई है हमारे घर और समोसे खाने लगे हैं। आज बैठ के खा रही, नमक पारे खा रही है। चलिए अम्मी चेक करके बताएंगे कैसे बने हैं। अलीना आप भी बताओ, क्रिस्पी हैं, मज़ेदार बने हैं, स्पाइसी हैं। अच्छा अच्छा, आज भी इंजॉय कर रही है। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग किस तरह का लगा है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।